कैसे हो आई होप के सारे के सारे मजे में होंगे। भाई पुष्पा धर के कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, उसके शूटिंग को लेके, उसके रिलीज डेट को लेके, उसके स्क्रिप्ट को लेके। एंड भाई एक ऐसा बंदा उसके साथ जुड़ा है जिसके बारे में बात करना चाहूँ कि बिकॉज उसने पुष्पा को ना सक्सेस बनाने में ना बहुत बड़ा हाथ था उसके बारे में। तो कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे थे, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते। यार देखो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड भाई देखो बहुत जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है एंड आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में पुष्पा धर को भी अगर हेट मिला तो भाई तुम्हारा भाई है ना उनको पहलने के लिए, वो पुष्पा को पहलेंगे तो भाई अपन उनको पहलेंगे। तो प्लीज उसके लिए ना सपोर्ट तो चाहिए ना थोड़ा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड भाई ऐसे ही भाई पुष्पा के तो अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, बिकॉज पुष्पा एक अलग ही है। एंड अल्लू अर्जुन को तो आप पता है भाई अपना सपोर्ट किस तरीके का रहता है, तो अगर हेटर्स पैदा होंगे तो उनको पहलने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसा आप लोगों ने किया है। अभी देखो पुष्पा का एक अपडेट निकल के आ रहा है, पुष्पा धरुल का। सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई देखो काफी टाइम से शूट स्टार्ट नहीं हुआ, हम सोच रहे हैं हो जाएगा दिसंबर में रिलीज हुआ था, उसके बाद अब देखो 6-7 महीने हो गए अभी तक कुछ स्टार्ट हुआ नहीं। उसका रीजन है क्योंकि पुष्पा जबरदस्त तरीके की ब्लॉकबस्टर हुई तो उसके स्क्रिप्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ये मूवी का शूट स्टार्ट हो गया ना एक बार तो मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। एंड भाई एक साल के अंदर अंदर तो एक काम निपटा देंगे। एंड जिस तरीके की अभी न्यूज निकल के आ रही है ना कि भाई अभी भी पुष्पा के जो मेकर्स है वो सोच रहे हैं कि भाई अगले साल दिसंबर में, मींस कि अगले साल के जो दिसंबर तक मूवी को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर अगले साल जब खत्म होगा 2024 सब स्टार्ट होगा तो भाई मकर संक्रांति के टाइम पे वो लोग टारगेट कर रहे हैं। वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो तो शूट कब स्टार्ट करते हैं, किस तरह से कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड होगा। बट जो चीज अभी मैंने देखी है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो भाई ये चीज पॉसिबल है कि भाई अगले साल दिसंबर में या फिर है ना 2024 के स्टार्टिंग में या फिर मकर संक्रांति में आपको पुष्पा धरुल देखने को मिल जाएगी। अभी देखो उसका स्क्रिप्ट में चेंज हो रहा है भाई, आपको पता है बुच्ची बाबू ने पुष्पा के टाइम पे क्या किया था ना, वो केजीएफ से कंपेयर कर दिए थे, केजीएफ चैप्टर 1 से, कि भाई मतलब 10 केजीएफ के बराबर एक पुष्पा, मतलब ऐसा कुछ कंपेयर कर दिया। तो भाई पुष्पा का क्रेज अलग ही लेवल पर चला गया था, क्योंकि भाई बहुत बातें हुई थी, हमने इस पर बहुत बातें की थी बुच्ची बाबू के स्टेटमेंट के ऊपर, केजीएफ चैप्टर 1 वर्सेस पुष्पा के ऊपर, केजीएफ 2 वर्सेस पुष्पा के ऊपर, केजीएफ 2 वर्सेस पुष्पा 2 के ऊपर बहुत सारी बातें की थी भाई। तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चला गया था ना इसका बस, इसका क्रेज, इसका एक्साइटमेंट। तो भाई आपको पता है कि भाई पुष्पा को ना सुपर डुपर हिट कराने में ना बुच्ची बाबू का भी हाथ था। तो भाई अब बुच्ची बाबू फिर से आ गए एंड बुच्ची बाबू अब सुकुमार के साथ स्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। ये सब न्यूज निकल के आ रहा है कि भाई बुच्ची बाबू है ना वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट सुनाई है, उनको स्क्रिप्ट लिखा है, अपनी तरफ से बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो भाई बुच्ची बाबू पुष्पा धरुल के साथ ज्वाइंट हो चुके हैं। एंड अब बताओ यार बुच्ची बाबू का पुष्पा धरुल आई मीन सुकुमार के साथ ज्वाइंट होना एंड ये चीज भाई मेरे को बहुत अच्छी लग रही है एंड अच्छी बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। भाई देखो यार मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई जो बड़े बड़े डायरेक्टर है जिनके पास जबरदस्त दिमाग है, जो बड़े डायरेक्टर है, बड़े प्रोड्यूसर है, या फिर जिसका भी दिमाग अच्छे से भाई सब चीज कामों में चलता है ना, तो भाई एक दूसरे से हेल्प लेते ना तो और अच्छी चीज देखने को मिलती है। तो भाई ये पुष्पा धर रूल के लिए एंड अल्लू अर्जुन फैंस के लिए जबरदस्त गुड न्यूज एंड मेरे लिए भी भाई ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ एक बार है ना आप प्रसाद नील सर के पास भी जाओ एंड उनसे भी कुछ पूछो कि भाई कुछ करना चाहिए क्या, वो शायद कुछ सलाह दे दे तो और मजा आ जाएगा। चलो छोड़ो, अब एक और अपडेट निकल के आ रहा है, इसका शूट कब स्टार्ट होगा। अभी देखो यार हमने सोचा था कि भाई है ना अभी कुछ अपडेट्स भी निकल के आया था कि भाई अगस्त के 3rd वीक में इसका कुछ शूट स्टार्ट होगा एंड वो चीज भी कैंसिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि भाई सितंबर में इस मूवी का शूट स्टार्ट हो सकता है पुष्पा धरुल का। तो भाई सितंबर में इस मूवी का शूट स्टार्ट होगा तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगस्त में फिर हमारा चूतिया कट गया, फिर हमको वेट करना पड़ेगा अगस्त में इस मूवी का शूट स्टार्ट होगा। तो समझो ना एक साल तो नहीं लगेगा, अल्लू अर्जुन ने तो 8-10 महीने में निपटा देंगे, उसके बाद 3-4 महीना और प्रोडक्शन का अगले सितंबर या फिर अक्टूबर तक खत्म होता है, जो नवंबर में ट्रेलर आता है दिसंबर में रिलीज कर देते, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब देखो क्या हो सकता है भाई, देखो सोचने को तो हम कुछ बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि भाई एक साल के अंदर अंदर सब चीज खत्म करके अगले साल के एंडिंग तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग तक आप पुष्पा धरुल को रिलीज करा देना, बिकॉज यार वेट ना हो रहा हम लोगों से। तो भाई प्लीज जल्दी से करो एंड उस मूवी को रिलीज करा दो। बाकी यही कुछ अपडेट था कि भाई सुकुमार सर एंड हमारे जो बुच्ची बाबू सर एक साथ में स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, शूट स्टार्ट होगा सितंबर में एंड इसको रिलीज करने की प्लानिंग अभी भी चल रही है नेक्स्ट ईयर के दिसंबर या फिर उसके अगले साल के जनवरी में, आई मीन मकर संक्रांति के टाइम पे। एनीवेज ये कुछ अपडेट है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।